आए दिन हमारे साथी घायल हो रहे हैं, मर रहे हैं और सब लोग यंग हैं, बीच में हम लोग हड़ताल पे बैठे रहेंगे। कब तक हड़ताल पे बैठेंगे? जब तक हमारी मांग को मान नहीं लिया जाता। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हैं बेस्ट न्यूज इंडिया। अभी मैं मौजूद हूं विकास जिला कुशीनगर के विकास भवन में और यहां पे कुछ लोग हैं जो अभी धरने पे बैठे हुए हैं और मैं इनसे बातचीत करूंगा कि ये किस लिए यहां पे बैठे हैं और इनकी मांग क्या है। इन सारी चीज़ों को लेकर मैं बात करता हूँ यहाँ पे। आपका क्या नाम है? सुरजीत सिंह। सुरजीत सिंह, अभी आप लोग यहाँ पे धरने पे जो बैठे हुए हैं, किस मांग को लेकर बैठे हुए हैं, क्या मांग है आपका? हमारी 9 मांगे थी और मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको अपने बारे में बता दूं। हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के कर्मचारी हैं और इसमें कोई 2015 कोई 2016-17 इस तरह से ज्वाइनिंग है। और जब हम लोग इसको ज्वाइन किए थे, जैसे वैकेंसी आई थी, हम लोगों ने रिटेन टेस्ट दिया, सारी एक प्रॉपर प्रक्रिया के तहत हम लोगों ने इसको ज्वाइन किया था। उसमें यह था कि आपका पर ईयर 7% इंक्रीमेंट होगा और ये 4-5 भत्ते जो थे, लड़का भत्ता, मोबाइल भत्ता हो गया आपका, शिक्षा भत्ता, ट्रेवलिंग अलाउंस था, ये सब कुछ जोड़ के अगर देखें तो, और एजुकेशन भत्ता में भी था कि 2 बच्चों को 1500 रुपये आपके, अगर 2 बच्चे हैं तो मिलेंगे, 3000 हो गए, तो जिनके 2 बच्चे हैं उनके 9215 रुपये होते थे, जिनके बच्चे नहीं हैं उनके 6215 रुपये होते थे। वो सारे भत्ते भी खत्म कर दिए गए इसके लिए और इंक्रीमेंट भी 2015 से नहीं मिला, 1 रुपये का इंक्रीमेंट नहीं मिला। आए दिन ना तो इंश्योरेंस पॉलिसी है कोई, पोर्टल फील्ड पर डिपेंड है, जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उनको संबल बनाना, उनको समूह से जोड़ना, भारत सरकार की जो भी योजनाएं हैं, जो भी लाभ है उनको दिलवाना, एक मुहिम से जोड़कर उनको आगे बढ़ाना, ठीक है। लेकिन आए दिन हमारे साथी घायल हो रहे हैं, मर रहे हैं और सब लोग यंग हैं। पिछले फरवरी में हम लोग ये सारी मांग को लेकर बैठे हड़ताल पे, तो सरकार के द्वारा ये आश्वासन दिया गया लिखित रूप में कि आप लोग हड़ताल छोड़िए, काम पर आइए और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन पूरे भारत में बहुत अच्छा काम कर रही है, सरकार की नज़र में बहुत अच्छी इमेज है, आप लोग उस इमेज को खराब मत करिए और सारी आपकी मांग जायज़ है, इसको माना जा रहा है और पूरा किया जाएगा। लेकिन 1% नहीं पूरा किया गया और फिर आज हम लोग पुनः उनके द्वारा जो कहा गया हम लोगों ने किया, लेकिन हम लोगों के द्वारा जो मांग थी उसको 1% नहीं पूरा किया गया, इसके लिए हम लोग फिर पुनः हम लोग हड़ताल पे बैठे हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाएगी तब तक हम लोग हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। ये हमारी मांगे ये हैं कि हमें इंश्योरेंस पॉलिसी दी जाए, हमारा जो इंक्रीमेंट था जो आपने दिया था 7% का, वो पिछला एरियर के रूप में दिया जाए और अब से पर ईयर हमें वो दिया जाए। ट्रांसफर पॉलिसी थी, जैसे कोई 500 किलोमीटर दूर से है, कोई 700, कोई 800, कोई 600, उनको होम डिस्ट्रिक्ट दिया जाए, ये भी उन्होंने माना था लेकिन वो भी नहीं दिया। अब ये बताइए, आप इंक्रीमेंट भी नहीं दे रहा, इंश्योरेंस पॉलिसी भी नहीं दे रहा, इतने दूर दूर से लोग घर परिवार छोड़ के आके यहाँ रह रहे हैं, रूम रेंट पे लेंगे तो क्या खाएंगे और क्या बचाएंगे? यहाँ पे कहाँ कहाँ से लोग आके काम करते हैं? यहाँ पे बांदा से हैं, हमीरपुर से हैं, भदोही से हैं, कानपुर से हैं, मिर्जापुर से हैं, ऐसे ऐसे मतलब कई जिलों से हैं। तो आप लोगों का मांग ये है कि होम डिस्ट्रिक्ट यानी अपने ही डिस्ट्रिक्ट में काम, जो हमारी 9 मांगे हैं उसमें भी एक मांग है पीएफ कटे, पीएफ आज के डेट में जहाँ 50 एम्प्लॉई हैं वहाँ पे पीएफ कटना चाहिए। यहाँ पे हम लोग अगर देखा जाए तो 4,500 से ज़्यादा है और हमारा TDS कटता है, फिर क्या फ़ायदा उसको, फिर उसको निकलवाने के लिए चक्कर लगाइए। तो ये हमारी जो 9 मांगे हैं ना उसमें सारी मतलब लिखित में भी हैं, आपको भी हम लोग दे देंगे, वो सारी हमारी मांगे मान ली जाए, ठीक। हम तो आप लोग को लिखित में एक अभी बता रहे हैं कि मिला था, आपको सरकार की तरफ से लिखित में दिया गया था कि आप ये हड़ताल बंद करें और आपकी मांगे जायज है, दिया जाएगा पूरा, वो मांगे जो लिखित वो कहाँ आप लोग पास है कि नहीं? वो हाँ है, वो संगठन के पास है, सुरक्षित है, वो मिल जाएगा, ठीक है। और उसमें से कुछ भी पूरा नहीं किया गया, दुख इस बात का है, और जो था उसको खत्म कर दिया गया। दीदी में बैठक करके तो मैंने बताया ना, लड़का भत्ता, ट्रेवलिंग अलाउंस था, शिक्षा भत्ता था, वो सब खत्म करके अब बताइए कैसे कोई काम करेगा, ये हमारी मांग है। और मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि अभी यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं, कहीं ना कहीं अपने घर को छोड़ करके, एक क्या सरकार इन लोगों को रोजगार अगर दिया है और जो इनकी मांगे हैं उससे
खड़े उतरे, उस मांग को पूरी करे, क्योंकि यह अन्य जगहों से लोग यहाँ पे आकर के अपनी रूम भाड़ा कहीं ना कहीं रूम लिए होंगे, भाड़े पे लिए होंगे, उसकी भी खर्चे, यानी तमाम इनको के खर्च हैं, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार इनकी मांग पूरी करे। अगर सरकार नहीं मांग पूरी करती तो इसकी क्या आप लोग करेंगे? हम लोग हड़ताल पर बैठे रहेंगे। कब तक हड़ताल पर बैठेंगे? जब तक हमारी मांग को मान नहीं लिया जाता, क्योंकि इस कंडीशन में हम लोगों ने बहुत लंबा टाइम दिया, आप कहीं दूसरी जगह जा भी नहीं सकते इसको छोड़ के, तो हम लोग बैठे रहेंगे। कहीं ना कहीं देखिए इन लोग के कहीं ना दिक्कत है, तभी ये लोग ऐसे बैठे हैं, हड़ताल पर बैठे हैं। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से, ताकि इनकी जो मांगे हैं पूरी करें, सब लोग अच्छे से अपने काम को सही तरीके से कर पाए। अभी सरकार सराहना भी किया है कि आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो मांग है अगर नहीं पूरी होगा तो फिर ये लोग काम कैसे कर पाएंगे। तो मैं कहना चाहूँगा इनकी मांगे पूरी किया जाए, अगर नहीं मांग पूरी होती है तभी जैसे लोग बताए हैं कि धरने पर बैठे रहेंगे, हड़ताल करेंगे, तो काफ़ी दिक्कतें होगा। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इनकी मांगे पूरी करें। और ये क्या संगठन क्या है आप लोग का? ये हमारा उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग कर्मचारी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का संगठन, इसका निदेशालय कौन मतलब करता है? इसका कौन? हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री कुमार विजय जी, और ये हर मतलब जिले से समिति बनाई गई है, कार्यकारिणी समिति बनाई गई है, गठित की गई है, जिसमें सबको एक एक पद दिया गया है और उसी हिसाब से संचालन हो रहा है।